नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूज्य धर्मवाड़ी पंचायत द्वारा हर साल की तरह इस साल भी पंचायत की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उल्लासनगर 3 के हॉलीबॉल के नाम से जाने जाने वाला पंचायत के गार्डन पे किया गया। इस कार्यक्रम में जसलोक स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि वासु कुकरेजा, बाबू मंगतानी, सरिता खनचंदानी, पिंटो भटीजा, सुमित चक्रवर्ती और काफी सारे लोग मौजूद थे। पूज्य धर्मवाड़ी पंचायत हर साल बच्चों को इनाम देती है। जो भी बच्चे पढ़ के पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आते हैं या तीसरे नंबर पे, उन सबको इनाम देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। जो भी संस्कृत प्रोग्राम सिंधी का, जो भी सिंधी में बच्चे लोग डांस वगैरह करते हैं, वो हम हर साल करते हैं। बहुत सालों से हमारा प्रोग्राम होता है और ये प्लॉट 71 साल से आज 71 ईयर आज पूरे हुए। ये पूज्य धर्मवाड़ी पंचायत को, पहले सिंध पंचायत थी, अभी धर्मवाड़ी पंचायत है और हम बच्चों का उत्सव बढ़ाते रहते हैं। पूज्य धर्मवाड़ी पंचायत हमेशा बंदेली है बच्चों का उत्साह बनाने के लिए। हर साल ये प्रोग्राम करती है और करती रहेगी। धन्यवाद। ये हमारा पूज्य धर्मवाड़ी पंचायत का हमेशा हर साल की तरह इस साल भी हम ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा। जो बच्चे जो पहले दर्जे से 12वीं तक जो अच्छी मार्क्स लेके आते हैं और जो स्पेशल सिंधी सब्जेक्ट लेते हैं उनको हम प्राइजेस देते हैं, उनको प्रोत्साहन करते हैं। और उसके साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम जो है हमने आज रखा, कितना शानदार प्रोग्राम आपने देखा। छोटे छोटे बच्चों ने इतना ये मेहनत करके ये प्रोग्राम किया और सबको जो है ना ये आनंद आया उसका। पूज्य धर्मवाड़ी पंचायत हमेशा सेवा का कार्य करती रही है। ये 2003 में पूज्य धर्मवाड़ी पंचायत बनी, उसके पहले ये सिंध पंचायत का नाम था। और पहले पहले हमारे जो बताया मैंने, पहले पहले शुरू से
जो इसका खूब चंद हरचंदानी प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद दयानुमल खानचंदानी प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद रूपचंद परचानी प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद दादा सुंदर दास बटीजा साहब प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद दादा असदुल्लाह मोहनानी प्रेसिडेंट रहे, और उसके बाद अभी सुंदर मंगतानी है। इसी तरह ये शुरू से जो परंपरा पंचायत की रही है ओटी वासियों की सेवा करने की, वो अभी तक कायम है, और बच्चों की एजुकेशन में, हेल्थ में, कल्चर प्रोग्राम में हमारा ये कार्यक्रम रहता है, और पूरे ओटी निवासियों का, शहर के लोगों का पूर्ण सहकार है हमें, और हमारी जो पूरी टीम है दिल व जान से काम करती है, सब अच्छी तरह से काम करते हैं, समाज सेवा के लिए निष्काम सेवा काम करते हैं। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।